केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के मार्गदर्शन में प्रयास संस्था के सहयोग से संचालित सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा का विस्तार करते हुए बुधवार को शिमला संसदीय क्षेत्र के दून विधानसभा क्षेत्र में शुभारंभ किया गया। शुभारंभ अवसर पर दून विधायक परमजीत पम्मी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लगभग 3 साल पहले इस स्वास्थ्य सेवा का आरंभ हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से किया था। उसके बाद इसका विस्तार अन्य संसदीय क्षेत्रों में करते हुए आज शिमला संसदीय क्षेत्र में हुआ है। अब हिमाचल प्रदेश के सभी 4 संसदीय क्षेत्रों में मोबाइल स्वास्थ्य सेवा का संचालन सुचारू रूप में हो गया है। इस स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से मरीजों को घर द्वार पर ही निःशुल्क उपचार, रक्त जांच एवं दवाइयों की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। अस्पताल जनता के घर द्वार कार्यक्रम के तहत दून विधानसभा क्षेत्र में यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विधायक परमजीत पम्मी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार जताया है। आज जो स्वास्थ्य वाहन जो हमारे केंद्रीय मंत्री सूचना एवं प्रसारण मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी द्वारा जो पहले हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में उन्होंने इसका शुभारंभ किया था, उसके बाद धीरे धीरे हिमाचल के अनेक क्षेत्रों में इसका शुभारंभ किया गया है। आज दून विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी ग्राम पंचायत लोधी माजरा से इसका शुभारम्भ किया है। लोगों को बहुत इसके लाभ मिलेंगे। 40 टेस्ट फ्री में और दवाइयाँ जो दी जाएगी, इसके लिए मैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज दून विधानसभा क्षेत्र के लोधी मजरा पंचायत से इस वैन का शुभारंभ किया। और ये वैन सभी पंचायतों में जाएगी और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके फ्री में टेस्ट और उनको फ्री में दवाइयाँ दी जाएगी और पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर सभी लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी। इसके लिए मैं केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी का अपनी तरफ से, अपने दून विधानसभा क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये वैन है, इसमें 4 लोगों की टीम है। इसमें एक डॉक्टर होगा, एक ड्राइवर होगा, एक फार्मासिस्ट होगा और एक लैब टेक्नीशियन होगा। इसमें हम एक गाँव में जाएंगे, वहाँ पर हम लोगों के टेस्ट करेंगे। टेस्ट में हम HB शुगर, लिपिड प्रोफाइल, LFT लीवर के फंक्शन टेस्ट, RFT रीनल फंक्शन टेस्ट और इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स के टेस्ट करेंगे और इसके अलावा Hepatitis B, Hepatitis C और डेंगू का, ये सब टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। हम जाकर सुबह रोज पेशेंट इकट्ठे करते हैं, उनको जिन जिनको टेस्ट की जरूरत होती है उनके टेस्ट किए जाते हैं। टेस्ट के बाद उनको फ्री में दवाइयाँ भी दी जाती हैं जी। और इसमें जो हमारी ये टीम है, इसकी हमेशा एक सोच ये है कि हम सबसे पहले जो पहल देंगे वो बुजुर्गों को देंगे। इसका कारण ये है कि बुजुर्ग लोग अस्पताल में लाइन में नहीं खड़े हो सकते, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि सबसे पहले बुजुर्गों को और उसके बाद अपने भाई और बहनों को ज़्यादा हम ध्यान देते हैं जी। अभी तक कुल मिला के 33 गाड़ियाँ चल रही हैं जी पूरे हिमाचल में। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।